जालमा मेरे सानू कोई डर ना की समझेगा समना सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर रहूंगा बस वहीं उम्र भर है जितनी हंसियां मुलाकातें हैं से भी प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जो खो जाते हैं आऊं ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर सारे का वेलकम करते हैं साड़ी लाइफ की कुछ ब्यूटीफुल मैमरीज़ देखने के लिए तो हिमानी मेरी वाइफ बन जा रही है तो मैनू मैं बहुत ही खुश नसीब हाँ कि मैं इन्ना प्यार करने वाली वाइफ मिली है तो पहला तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा गुलाटी स्टूडियो का जदों गुलाटी स्टूडियो वाले ने मेरी फोटोज़ खिंचिया मतलब बहुत ही वधिया एक्सपीरियंस है बहुत मज़ा आया तो मैनू हुण लगन लग गया कि मेरी भी फोटो वधिया आ सकती है मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था कैसे जी रहा था मैं दीवाना छुप के सला के तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना मुस्कुराना भी तुझसे सीखा है दिल लगाने का तू ही तरीका है एतबार भी तुझसे होता है आऊं ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है नहीं था पता के तुझे मान लूंगा खुदा कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर सुन रे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर रहूंगा बस वहीं उम्र भर इन्होंने बोला कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ पर ये इतने ज़्यादा केयरिंग है कि प्यार अपने आप ही हो गया है और मुझे लगता भी नहीं है कि ये हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद शादी से पहले ही हमारा इतना लव हो चुका है कि
ये हमारी लव मैरिज ही है। और हमने अपना प्री वेड भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है बिकॉज जस्ट ऑफ गुलाटी स्टूडियो एंड थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग प्री वेड। Yeah.